उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिरोजाबाद में असहाय बेसहारा लोगों के लिए चलाई जा रही योजना कौशल विकास। शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा ने तोमर गेस्ट हाउस स्टेशन रोड शिकोहाबाद में फीता काटकर किया शुभारंभ। इस अवसर पर प्रतिक्षण लेने वाली महिलाओं को ड्रेस वितरण के साथ में उपेंद्र चौहान MIS मैनेजर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन फिरोजाबाद, सतीश यादव जिला उपाध्यक्ष भाजपा फिरोजाबाद, सतीश यादव जिला उपाध्यक्ष भाजपा फिरोजाबाद, वीरपाल सिंह, डॉक्टर रविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रशांत वर्मा, विनित कुमार, रिंकू सिंह, अन्य लोग भी रहे उपस्थित। शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा ने दी हुई जानकारी में इस योजना के बारे में कहा गया। कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को सिलाई कढ़ाई का 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण सही तरीके से दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण पाने के बाद महिलाएं छात्राएं अपने आप में एक होना बंद हो जाएंगी और अपने कार्य को स्वयं कर पाएंगी। विकास मिशन के अंतर्गत RPL जो कि पुराने छात्र थे जिनको इस परंपरागत इस कौशल विकास से उनका जो लाभ हुआ था, उन्हीं छात्रों को दोबारा बुलाकर और उसमें खास तौर से बहनें जिनको सिलाई कढ़ाई बुनाई इसकी ये 3 दिन का ये जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पूरी की पूरी ये है कि प्रत्येक घर तक कौशल विकास मिशन का नाम पहुंचे, कौशल विकास मिशन का काम पहुंचे और काम पहुंचकर रोजगार मिले। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ आत्मबल इन्हें मिलेगा और ये अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब होंगे। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।